सत श्री अकाल। फटाफट खबरां तुसीं देख रहे हो जिथे तुहानूं दिखाईआं जांदीआं ने देश दुनिया मनोरंजन खेड ते व्यापार जगत दी अहम सरगर्मियां फटाफट यानी तेज रफ्तार दे नाल रोजाना दी तरह रुख करदे हां। अज दी पहली खबर वल, कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने साबका कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर नूं लैके वड्डा बयान दिता है। इस संबंधी राजावड़िंग दे वल्लों ट्वीट किया गया जिस विच उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने डॉक्टर हमदर्द के समर्थक में बोलिया ते अगले ही दिन उन्होंने अस्तीफा देने लई कहा गया। उन्होंने आख्या कि निज्जर साहब नूं सच बोलण की भारी कीमत चुकानी पई है। रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया प्रधान ते भाजपा सांसद मैंबर ब्रिजभूषण शरण सिंह खिलाफ विरोध प्रदर्शन वधदा जा रहा है। हुण सर सर्व जाति सर्फ पाख महापंचायत ने महिला पहलवाना की लड़ाई लड़न का फैसला किया। सो इसलिए उत्तरी भारत के सारे खापा की महापंचायत 2 जून हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित जाट धर्मशाला होगी। सो इस महापंचायत के अंदोलन का ऐलान किया जा सकता है। सर्व जाति सर्फ पाख के राष्ट्रीय बुलारे सूबा सिंह समैन ने मंगलवार को चीन के हुई सरपंचों की रैली के इस महापंचायत का ऐलान किया। साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिए अल्टीमेटम का समा खत्म होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज क्रिकेटर जसिंदर सिंह मीडिया सामने जनतक किया है। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नाल बैठे खिडारी बारे दसिया भी है जिहड़ा जसिंदर सिंह सी उन्होंने कहा कि क्रिकेटर जसिंदर तो नौकरी बदले 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। जसिंदर आईपीएल पंजाब की टीम के खिडारी उन्होंने साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से पैसे मंगने के इल्जाम लाए ने। सो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हुण जसिंदर बनती नौकरी देवे। सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस जो कि अक्सर सरकारी स्कूल का दौरा करते हुए नजर आते रहते हैं, सो पंजाब के स्कूलों में बच्चों को पूरी किताबा ना मिलने से सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस गुस्से नजर आए हैं। जिला मैनेजर मोहाली दीपू पलवान दस दिए कि डिप्टी मैनेजर लखन सिंह सहायक पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड जसप्रीत सिंह ड्यूटी में कुताही वरतन के दोष हेठ मुअत्तल कर दिया गया। मंत्री जिहड़े ने इसे नगर के सरकारी प्रायमरी स्कूल लंबियां दा चंचेत निरीक्षण कर आए सन। जून 1984 के वापरे साका नीला तारा दिवस की तैयारियां शुरू हो गई ने। श्रोमणी कमेटी ने इस मौके पर फौजी हमले में जख्मी हुए पावन स्वरूप के दर्शन कराने का फैसला किया। इस नाल ही दल खालसा ने साका नीला तारा फौजी हमले खिलाफ 5 जून की शाम अमृतसर के घल्लूकारा यादगारी मार्च कढ़ने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्री के वालों 12 साल बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC की चोणां कराने की तैयारियां विढ़ दित्तियां ने। सो मुख गुरुद्वारा चोण कमिशन ने पंजाब सरकार को पत्र भेज के श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी दी चोणां लई वेट सूचियां बनाने का अमल शुरू कर लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के वालों सूबे के सारे मंत्रियों विधायकों और संसद मैंबरों को परिवारों तहत रात्रि भोज की सदा दिता है। सो इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विशेष तौर पर शामिल होंगे। रात्रि भोज आ चंडीगढ़ मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहायश दिता जा रहा है। सूत्रों अनुसार इस रात्रि भोज में परिवार मिली प्रोग्राम दसया जा रहा है। सो पंजाब के दस दिए कि आप की सरकार बने 14.5 महीने बीतने के बाद पहली बार अजिहा परिवारक डिनर रखा गया जिस पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। पंजाब कैबिनेट का 4वीं बार विस्तार होया। सो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करतारपुर तो विधायक साबका DCP बलकार सिंह लंबी तो विधायक गुरमीत सिंह खुडिया का कैबिनेट में शमूलियत की है। दस दिए कि आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन के दोवां मंत्रियों अहुदे के भेद गुप्त रखने की सहुं चुकाई है। दुबारा खेत्र तो बोम शंकर जिंपा तो बाद बलकार सिंह दूजे मंत्री हैं। सो इस बाद मंत्रियों के विभागों के फेरबदल हो सकता है। मानसून अपडेट साझी कर रहे हैं जिथे कि मानसून का इंतजार कर रहे लोगों की बड़ी खुशखबरी है। मानसून 19 मई तो अंडमान और निकोबार दीपू समूह से अटकया हुआ है पर हुण इसने रफ्तार फड़ ली है। देश के ज्यादातर हिस्सों के 15 जून तो मौसलेदार यानी कि बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 22 तो 26 मई तक अंडमान और निकोबार टापू नूं पार करके बंगाल की खाड़ी में अगे बढ़ना चाहिए सी पर मानसून विखे अटक गया। 31 मई में उसने पड़ा से हुण पहुंचे तो दस दिए कि मौसम विभाग अनुसार इस कारण मानसून आम नालों करीब 1 हफ्ता देरी अगे बढ़ रहा है। सो मानसून की रफ्तार देखते हुए मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि मानसून की बारिश 1 जून तो केरल और तमिलनाडु 5 जून तक कर्नाटक आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व में शुरू हो जाएगी। पिंड बुरज विखे दाज दहेज ना देने करके लड़के और उसके पुत्र को कथित साड़न का मामला सामने आया है। थाना चनीर पुलिस ने मृतक लड़की के पिता जेठ सस और पूरे परिवार खिलाफ बनता केस दर्ज किया। सो मानसा के सीनियर कप्तान पुलिस डॉक्टर नानक सिंह ने कहा कि इस मामले में मृतक लड़की के पिता और उसकी सस को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्हों को पूछ पड़ताल की जा रही है। सो इस तरह दिया फटाफट खबर हूँ मैंने देवो इजाजत धन्यवाद।